दोनों पाँव पास पास पाओं के पंजे एडी मिलाइए अब एक एक पाओं के पंजों पर आइए अप करिए अप एंड डाउन पाओ के पंजों पर एडी पर पाओ के पंजों पर एडी पर इसको रिदम में करेंगे करेंगे वन करिए अप डाउन बहुत बढ़िया टू वेरी गुड थ्री करते जाइए फोर वेरी गुड फाइव वेरी गुड सिक्स आइए ऊपर सेवन एट नाइन एंड टेन थोड़ा रिलैक्स करिए लंबी गहरी स्वास्थ अब यहीं पर दाहिने वाले पांव को थोड़ा आगे निकालिए दाहिने वाले पांव को निकालिए और धीरे धीरे मेट को दबाइए आपकी मेट को दबाइए एडी को उठाइए ऊपर एडी उठाइए ऊपर राइट हाँ एडी को उठाइए ऊपर अब धीरे से एडी को नीचे पीछे वाले पाँव की एडी उठाइए ये क्रियाएं कर रहे हैं हम अप डाउन करेंगे वन वेरी गुड टू सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स फिर वाले पांव को वापस अब बाएं को लेके जाइए मेट को दबाइए मेट को दबाइए एडी कोठाइय पर गर्दन सीधी दोनों हाथ कमर पर रखिए वेरी गुड गर्दन सीधी स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री करते जाइए फोर फाइव वेरी गुड सिक्स सेवन एट नाइन टेन धीरे से पाओ को वापस लाइए अब वार्म के लिए मन में लाई दृढ़ता फिफ्टी काउंटिंग तक करेंगे एक एक पाओं को उठाएंगे पूरा ऊपर वन थ्री वेरी गुड फोर लाइ पाओ वेरी गुड सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन पीछे मारिए ट्वेल्व थर्टीन नितम से लगना चाहिए फोर्टीन फिफ्टीन वेरी गुड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अब अपने आसन पे रनिंग करिए धीरे धीरे रनिंग करिए चलते जाइए ट्वेंटी वन वेरी गुड ट्वेंटी टू करिए ट्वेंटी थ्री वेरी गुड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव हल्की हल्की रनिंग करिए ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी अब थर्टी वन के बाद फास्ट 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 थर्टी वन और फास्ट थर्टी टू करते जाइए थर्टी थ्री थर्टी फोर आराम से थर्टी फाइव करिए थर्टी नाइन दस और करिए फोर्टी वन और फास्ट फोर्टी टू फोर्टी पाओ पर लाइए फोर्टी थ्री फोर्टी फोर और फास्ट फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी रिलैक्स दोनों पाँव में इससे डिफरेंस करिए और दोनों हाथ पीछे बांधिए गर्दन को लटकाइए और आंखें बंद करके ध्यान लगाइए कि अभी हमने जो अप करा है उसके द्वारा हमारे सांसों की गति बढ़ गई है ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी पर तेज हो गया है उसे धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए पूरा ध्यान अपने श्वास पर श्वास पर रखिए वार्म अप करने के बाद महसूस करिए हमारा पूरा शरीर आसनों के लिए तैयार हो गया है सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन ताड़ासन के लिए मन और शरीर को तैयार करिए देखिए ताड़ासन में करना है एक बार मैं करके बताऊंगा फिर आपको होल्डिंग करना है दस दस सेकेंड तक ठीक है ताड़ासन देखिए दोनों पाओ की एड़ी को मिलाना है ठीक है और दोनों हाथ रखना है कमर के पास और दोनों हाथों को और धीरे धीरे उठाना है एडी को उठाना है दिशा बदलिए दोनों हाथ को ऊपर ले आना है और दोनों पांव की एडी और दोनों हाँ कमर के पास स्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए साइड से और एड़ी भी उठाइए हाथों को पीछे खींचिए हथेली का रुख जमीन की ओर वेरी गुड और, और होल्ड करिए रुकने की कोशिश करिए देखिए हाथों पर कंधों पर एक दबाव बढ़ते जा रहा है होल्ड करें रुकने की कोशिश अब यहीं पर हाथों की दिशा बदलिए और दोनों हाथों को पूरा पीछे फैलाते हुए दोनों हथेली आमने सामने करिए और दोनों पांव की एड़ी उठाइए होल्ड करेंगे रुकेंगे वन वेरी गुड टू थ्री खींच करो फोर फाइव वेरी गुड सिक्स सेवन एट नाइन फिर टेन में दोनों हाथों को लेके आइए पूरा पूरा फैलाते हुए दिशा बदलिए और धीरे धीरे दोनों हाथ रेड़ी जमीन पर रिलैक्स करिए हर आसन हम जब होल्डिंग से करते हैं ना तो बहुत पूरी बॉडी पर इफेक्ट आते हैं उसके दो गुना असर होते हैं हमें ठीक है चलिए करेंगे ताड़ासन का दूसरा रूप दोनों की एड़ी मिलाइए दोनों हाथ कमर के पास अब यहीं पर दोनों हाथों को उठाइए साइड से दिशा बदलिए दोनों हाथों को पूरा फैलाते हुए इंटरलॉक करिए हाथों की दिशा बदलिए और हाथों को ऊपर खींचिए रुकेंगे 15 तक रुकेंगे वन टू वेरी गुड थ्री खींचिए ऊपर बॉडी, फोर फाइव वेरी गुड सिक्स सेवन एट नाइन और टेन में फिर दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रखिए और एडी जमीन पर थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए विश्राम करिए लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास देखिए नेक्स्ट आसन हम जो करेंगे एक बार देख लीजिए श्वास भरना है ठीक है ताड़ासन इसका तीसरा रूप हाथों को पूरा इनहेल करना है दोनों हाथ पीछे इनहेल करेंगे एक्सेल करते पूरे हाथों को धीरे धीरे ट्विस्टिंग करना है आपके कमर से पूरा ट्विस्ट करना है एक बार राइट करेंगे फिर लेफ्ट करेंगे ठीक है अब यहीं पर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाइए ऊपर हाथों को कानों के पीछे अब जितनी आप आपकी कैपेसिटी हो हल्का सा पाव में डिफरेंस कर सकते हैं इनहेल करिए और एक्सेल करते अपने दाइनी तरफ धीरे धीरे झुकते जाइए दाइनी तरफ जाइए दाइनी तरफ चलिए जाइए दोनों हाथों को खींचते हुए जाइए फिर वापस आइए लंबी गहरी सांस अब जाइए दूसरी तरफ हाथों को खींचिए देखिए आपकी पूरी बॉडी पर एक तरफ खिंचाव एक तरफ तनाव रुकने की कोशिश करिए कमर में एक तरफ खिंचाव एक तरफ तनाव वेरी गुड होल्ड करिए फिर आइए मध्य में थोड़ा और प्रयास करेंगे हाथों के से खींचिए इनहेल करिए एक्सेल करते जाइए राइट right और होल्ड करेंगे रुकेंगे वन रुकिए टू थ्री फोर हाथों खींच के रखो फाइव फिर आइए मध्य में हाथों को खींचिए थोड़ा कानों के पीछे इनहेल करिए एक्सेल करते आइए लेफ्ट पूरा खींचते हुए जाइए बहुत बढ़िया करिए वन टू मै करो करो थ्री फोर एंड फाइव फिर आइए दोनों हाथ लेके दोनों हाथों को खोलिए दिशा बदली वापस दोनों पांव में डिफरेंस कर लीजिए पूरे शरीर को रिलैक्स और रिलैक्स एक एक मांसपेशियों को रिलैक्स होने दीजिए चलिए कौन आसन दोनों साथ में करेंगे अब दोनों हाथ को लेके जाइए साइड से थोड़ा वेरिएशन है इसमें दोनों हाथों को लेके जाइए ऊपर बांधिए हाथों को खींचिए ऊपर दोनों हाथ की ऐसी मुट्ठी बांध इनहेल करिए एक्सेल करते अपने दाईं तरफ धीरे-धीरे झुकिए वेरी गुड होल्ड करना झुकिए 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 होल्ड करिए श्वास भरिए प्रश्वास करते जाइए लेफ देखिए पूरा खिंचाव तनाव रुकेंगे यहां पर वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव वेरी गुड हाथों को ऊपर खींचिए अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन अर्धकटी चक्रासन देखिए आप दोनों हाथ को रखना है सामने ठीक है एक बार देख लीजिए अर्धकटी चक्रासन में दोनों हाथ सामने और धीरे धीरे दोनों हाथों को लेकर जाना है पीछे एक हाथ को पूरा बांधना है और दूसरा हाथ कंधों पर रखते पूरी बॉडी को ट्विस्टिंग करना है गर्दन और पेट पे, पे पूरा खिंचाव आएगा ठीक है फिर वहां पे हम थोड़ी और क्रियाएं करेंगे चलिए करिए दोनों हाथ सामने रखिए इसे श्वास भरिए प्रश्वास करते दोनों हाथों को अपने राइट तरफ धीरे धीरे लेके जाइए और एक हाथ कमर पे लपेटिए दूसरा हाथ कंधों पे रखिए और कंधों से बॉडी को ट्विस्ट करिए पीछे की ओर गर्दन को लेके जाइए पीछे देखिए इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दीजिए बहुत बढ़िया करा सबने गर्दन को लेके जाइए देखिए पेट पे मरोड़ बनेगा इस तरफ लेके जाइए गर्दन पे होल्ड करिए देखिए पेट पर गर्दन पर खिंचाव आ रहा है फिर धीरे धीरे वापस आइए दोनों हाथों को ऐसे लेके आइए सबने बहुत अच्छा करा हाथों को ऐसे लेके आइए इनहेल करिए एक्सेल करते जाइए लेफ्ट एक बार फिर एक हाथ कमर पे लपेटिए दूसरा कंधों पे रखते हुए गर्दन को पूरा ट्विस्ट करिए देखिए पेट पर गर्दन पर पूरा खींचाओ अब हम कुछ संतुलन के आसन करेंगे जो हमारे मानसिक एकाग्रता बढ़ाएंगे पहला संतुलन का आसन आएगा आप सभी जानते हैं हम दिन भर दोनों पाओ पे रहते हैं पहले हम एक पाओं पे रहने की कोशिश करेंगे दाहिने वाले पाओ को घुटनों से मोड़ना है राइट राइट वाले पाओ को घुटनों से मोड़ेंगे दूसरा वाला हाथ बिल्कुल स्ट्रेट और इसमें आपको होल्डिंग करना है ठीक है हाथों को से खींच के ठीक है चलिए मन में लाइए दृढ़ता दाहिने वाले पांव को घुटनों से मोड़िए और दूसरे हाथ को सर सीधा रखिए उंगलियां मिला के रखिए हाथों को पीछे खींचिए गर्दन सीधी और रुकेंगे यहां पर वन वेरी गुड टू खींच के रखिए बैलेंस बनाइए थ्री फोर बहुत बढ़िया फाइव वेरी गुड सिक्स बनाओ सेवन एट नाइन और टेन में फिर हाथों को लाइए और धीरे धीरे पांव को भी छोड़िए बहुत बढ़िया सभी ने बहुत अच्छा करा यह आसन जो हमारे संतुलन के जितने भी है ना मानसिक एकाग्रता बढ़ाते हैं दिन भर हम दोनों पाओ पर रहते हैं एक पाओं पर रहने से हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होता है करेंगे दूसरे वाले पाओं से बाएं वाले पांव को घुटनों से मोड़िए अब दूसरे वाले हाथ को श्वास भरते लेके जाइए और कानों से टच कर हाथों को ऊपर खींचिए होल्ड करेंगे निगाहें किसी एक पाइन पर रहते रुकेंगे वन वेरी गुड टू रुकी थ्री Very good. फोर फाइव Very good. सिक्स सेवन एट नाइन टेन धीरे से हाथों को वापस लाइए पाओ की पकड़ छोड़िए Very good. लंबी और धीरे धीरे प्रश्वास अभी हमने पांव को पीछे की तरफ करके बैलेंस करा अब हम पांव को आगे की तरफ बैलेंस करेंगे तो देखिए ये वाला करना है दाहिने वाले पांव को ऐसा निकालेंगे आगे पांव को 90 करेंगे पहले देख लीजिए एक बार फिर पाँव को थोड़ा आगे नाइन करके पाओं का पंजा सीधा गर्दन सीधी इसमें आपको होल्डिंग करना है टेन सेकेंड ठीक है चलिए हम हम करेंगे आराम से मुस्कुराते हुए करिए सबके चेहरे पर मुस्कुरा चाहिए दाइने वाले पाँव को आगे निकालिए बॉडी सीधी दाइने वाले पाँव को उठाइए थोड़ा आगे करिए पाओ का पंजा सीधा गर्दन सीधी होल्ड करेंगे रुकेंगे वन वेरी गुड टू पाओ का पंजा सीधा थ्री फोर करिए फाइव वेरी गुड सिक्स पांव आगे सेवन वेरी गुड एट नाइन वेरी गुड टेन धीरे से पांव को वापस रखिए बहुत बढ़िया करा लंबी घेरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास लेके जाइए बाएं को बाएं वाले पांव को लेके जाइए लेफ्ट को उठाइए ऊपर नाइन्टी थोड़ा आगे करिए पांव को आगे की ओर करिए पाओ का पंजा पूरा सीधा करिए वेरी गुड होल्ड करेंगे रुकेंगे वन रुकी टू फोर करते जाइए फाइव वेरी गुड सिक्स सेवन एट नाइन और टेन फिर धीरे से वापस लाइए वेरी गुड रिलैक्स कर लीजिए पाओ को से झटका लीजिए पाओ पर हाथों पर कोई खिंचाव तनाव आ गया हो उसे रिलैक्स और रिलैक्स करिए दाहिने वाले पाओ को लेके जाइए आगे देखिए ध्यान किसी एक पैर में तो बहुत अच्छा बनेगा अब धीरे से दोनों दाइने वाले पाओं को पकड़िए और पहले उसको लगाइए सीने से अब धीरे धीरे ठुड्डी को लगाइए घुटनों से और होल करेंगे रुकेंगे वन थ्री वेरी गुड फोर बहुत बढ़िया करा सबने फाइव कोशिश करिए सिक्स सेवन एट वेरी गुड नाइन टेन धीरे धीरे वापस बहुत बढ़िया लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे प्रश्वास सारे आसन हो जाते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से करिए चलिए दूसरे वाले पांव से बाएं वाले पांव को निकालिए आगे पहले दोनों पाओ से पकड़िए अब धीरे धीरे बाएं वाले पांव को लेके आइए ऊपर और ठुड्डी को लगाइए घुटने से होल्ड करेंगे रुकेंगे वन टू वेरी गुड थ्री रुकिए फोर फाइव आराम से सिक्स सेवन एट नाइन टेन धीरे धीरे वापस बहुत बढ़िया धीरे धीरे वापस वृक्षासन सबसे अद्भुतकारी आसन है मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है लंबाई बढ़ाने में भी सहायक है इसमें पूरी मानसिक एकाग्रता से करेंगे एक बार देख लीजिए पाओं को धीरे 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 रखते हुए जंगल जोड़ तक लाना है एक बार देख लीजिए फिर दोनों हाथों को पूरा लेके आना है सीना विस्तारित करते दोनों हाथ को पूरा ऊपर खींचते हुए हाथों को पूरा खींचेंगे ट्वेंटी टाइम होल्डिंग कोशिश करेंगे हम फिर दोनों हाथ को धीरे धीरे नमस्कार बनाना है आपको पूरा ध्यान ही रखना है बॉडी सीधी ध्यान लगाइए किसी एक पाइन पर दाइने वाले पाँव को धीरे धीरे घुटनों से मोड़िए लगाइए जंगा जोर तक वेरी गुड स्टेप बाय स्टेप करिए दोनों हाथ साइड से उठाइए होल्ड करिए जितना मैं होल्डिंग कर रहा तो होल्ड करिए उठाइए दाइने वाले हाथ को और रुकी यहाँ पर हाथों को पीछे खींचिए दिशा बदलिए दोनों हाथों को ऊपर लेके नमस्कार बनाइए वेरी गुड सिक्स ट्वेंटी तक जाएंगे सेवन एट नाइन वेरी गुड टेन हाथों को पीछे खींचिए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वेरी गुड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी फिर धीरे से दोनों हाथों को वापस लाइए दिशा बदलिए वापस बहुत बढ़िया कर करा सबने लंबी श्वास ध्यान किसी एक पाइन पर रखिए बाएं वाले पांव को धीरे धीरे और दोनों हाथों से जंगा जोड़ पर लेके आइए कोशिश करिए दोनों हाथ साइड में रखिए वेरी गुड हाथों को पूरा खींचिए खींचिए पूरा दोनों हाथों की दिशा बदलते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए और नमस्कार बनाइए होल्ड करेंगे रुकेंगे वेरी गुड टू रुकी थ्री ट्वेंटी तक जाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वेरी गुड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वेरी गुड फिफ्टीन रुकिए फाइव और सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी फिर दोनों हाथों को लाइए साइड से धीरे धीरे वापस